4 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बच्ची के चाचा ने ही अपहरण की साजिश रची थी। वहीं मां की बहादुरी के चलते बच्ची सुरक्षित है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने शकरपुर इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के अपहरण की कोशिश के मामले में बच्ची के चाचा उपेंद्र और उसके दोस्त धीरज को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस को अभी 2 और लोगों की तलाश है। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल धीरज की थी, साथ ही जो बदमाश इस वारदात को अंजाम देने आए थे वह दोनों भी उपेंद्र के दोस्त थे। फिलहाल उनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक उपेंद्र कोई काम धंधा नहीं करता था, उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची। मां की बहादुरी के चलते बदमाशों को उल्टे पैर भागना पड़ा था। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई थी। दरअसल वारदात मंगलवार को सुंदर ब्लॉक शकरपुर में दोपहर करीब 3:30 बजे हुई थी। बच्ची की मां संगीता गुप्ता ने बताया कि घर की डोर बेल बजने पर जब वो बाहर निकली तो एक महिला गेट पर खड़ी थी और 2 लड़के वहीं मोटरसाइकिल पर बैठे थे। संगीता के मुताबिक वो महिला अक्सर इस इलाके में सामान बेचने आती है। महिला को जब संगीता ने कुछ भी सामान खरीदने से मना कर दिया तभी उसने दोनों लड़कों को पानी देने की गुजारिश की। संगीता ने पानी की बोतल लाकर उन बाइक सवार लड़कों की बोतल भर दी। बाद में उन लड़कों ने दोबारा पानी मांगा और जैसे ही संगीता घर में पानी लेने गई तभी बाइक सवार बदमाशों ने संगीता की 4 साल की बेटी को उठाकर बाइक पर बैठा लिया। बच्ची की आवाज सुनते ही संगीता बाइक पर बैठे बदमाशों पर कूद पड़ी और बच्ची को दबोच लिया, जिसके बाद बदमाश बाइक के साथ ही गिर पड़े। इसी बीच संगीता ने अपनी बच्ची को पकड़ लिया, लेकिन उसका कुर्ता बाइक के पहिए में फंस गया था। शोर शराबा सुनकर पड़ोसियों के निकलने पर बदमाश बच्ची को छोड़कर मोटरसाइकिल पर ही भागने लगे, लेकिन तभी कुछ दूरी पर खड़े एक युवक ने बदमाशों को आता देख अपनी स्कूटी बीच सड़क पर खड़ी कर दी और फिर बदमाशों को धक्का देकर गिरा दिया। मौजूद लोगों ने बदमाशों को दबोच उनकी पिटाई कर दी, लेकिन बदमाश हथियार दिखाकर वही अपनी बाइक और हथियार छोड़कर भागने में कामयाब हो गए थे।